हम आप इसके अलावा भी तो कोई बात डिस्कस कर सकते हैं। मैं तंग आ गई हूँ ये बातें सुन सुन के। प्लीज़, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर उसने तुमसे एक दफ़ा माफ़ी मांग ली है तो अपना दिल भी साफ कर दो ना उसके लिए। छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या नाराज़ हो मुझसे? मैं भला तुमसे क्यों नाराज़ होंगी? सच बात तो ये है कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत दिल दुखाया है ना मैंने तुम्हारा। कि क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ, तुम लोग पहली बार मेरे घर आए और मैंने सब गड़बड़ कर दी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन मदिया ऑनेस्टली मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने किसी के प्रेशर में ना आके ये सब कुछ अपने दिल की मानी है। कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, ना तुमने मुझसे नाराज़ होने की और ना मुझे तुमसे सॉरी बोलने की। हाँ, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि मेरी इनकार की वजह क्या थी? ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है मदिया, मैं क्यों पूछूं? मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्या मैं बता सकती हूँ? हाँ बता। देखो, ये तो तुम मानती हो ना कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कुछ भी ऐसा हमारी दोस्ती के दरमियान नहीं लाना चाहती जिससे हमारी दोस्ती को नुकसान। ये क्या बात हुई? देखो, हमारी दोस्ती अपनी जगह, पर ये बात तो सच है ना कि तुम्हारे और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मजबूर करने पर कोई एक ऐसा रिश्ता बन जाए जो बिल्कुल ही बेजोड़ है, जिसे दुनिया तस्लीम ही ना कर सके। मदिया, तुमसे किसने कह दिया है कि तुम्हारे घर रिश्ता मेरे मजबूर करने पे लाया गया है? कम ऑन हनिया, तो और किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है मेरी जैसी लड़की को? प्यार बहुत बेवकूफ़ होता है। हम तुम्हें इसीलिए घर लेके गए थे कि रामेश भाई तुमसे मिल लें, बातचीत कर लें, और अगर तुम उन्हें पसंद आती हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे मजबूर करने पर नहीं, रामेश भाई की ख्वाहिश पर तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर गए थे। क्या तुम सच कह रही हो? तो और क्या मदिया, मुझे लगता है तुमने सचमुच गड़बड़ कर दिया।